नमस्कार, मैं हूं शुभी जैन और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज और ये है सागर टीवी न्यूज का न्यूज रूम। दमोह जिले में बुधवार को एक बार फिर एक रिश्वतखोर पटवारी सामने आया है, जिसे लोकायुक्त सागर की टीम ने 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जिले के हिंडोरिया में पटवारी खिलान सह ने भारत चौरसिया नाम के एक व्यक्ति को अपने जमीन के नामांतरण और नक्शे के लिए 12000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं भारत ने रिश्वत की पहली किस्त कुछ महीने पहले खिलान को दे दी थी और इसके बाद लोकायुक्त के साथ मिलकर पटवारी को हिंडोरिया में 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। जगह है यहाँ पर 28 सुपर फुट मेन रोड की जगह है, जो कि नामांतरण के लिए अपन से 12000 की मांग की थी। 5000 मैंने दे दिए थे 3-4 महीने पहले और बाकी 6000 मैंने आज दिए हैं। प्रकरण है ना, मैंने कैसे मांगे, मुझे फंसाया गया है इस संबंध में। इनसे जो है 12000 रुपये की रिश्वत की मांग की है हमने और इसमें से 5000 रुपये पूर्व में दे चुके हैं। आज हमने इनको 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि खिलान से कर्मचारी एक नेता भी है और साथ में पटवारी संघ दमोह जिले का अध्यक्ष भी। एक कर्मचारी के इस प्रकार पकड़े जाने के बाद हड़कंप के हालात बने हुए हैं। भाजपा जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर ललित उपाध्याय और डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय को सदस्य बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक बीएमसी मेन गेट के सामने सागर मध्य प्रदेश। संत शिरोमणि गाड़गे महाराज की जयंती के पावन पर्व पर विशाल वाहन रैली का आयोजन 22 फरवरी 2018 दिन गुरुवार को पहलवान बब्बा मंदिर और शोभा यात्रा 23 फरवरी 2018 को शुक्रवार केशरवानी धर्मशाला से 12 बजे से निकाली जाएगी, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। निवेदक अखिल भारतीय रजक महासंघ।